टॉप पे आ जाए, नंबर वन पे आए, आप सबके सहयोग से ये मेरा सपना रहेगा। और मैंने कहा 2030 तक राजस्थान देश में नंबर वन राज्य की श्रेणी में आए, तो ये उसमें राजीविका का बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी आप सोच लीजिए कि आपको 2030 तक आपको क्या सपना आपका है, क्या आप सोचती हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि अब आपके अधिकारी बैठे हुए हैं और आपके जो आपने जो ढांचा खड़ा कर रखा है उसमें भी मैं समझता हूँ कि अनुभव है। उन तमाम हमारी जो बहनें हैं, उन तमाम बहनें जो है, जब वो आप बताइए सखियाँ आपने बनाई, पशु सखी अलग बनाई है, कृषि सखी अलग बनी है, बैंकों का काम करने के लिए अलग सखी बनी है और डिजिटल पेमेंट के लिए अलग सखी बनाई गई है, पुलिस को सेव करने के लिए जैसे महिलाओं पर अत्याचार अन्याय उत्पीड़न नहीं हो गांवों के अंदर उसके लिए सुरक्षा सखी बनी है, योजना सखी अलग बनाई गई है, उद्यम सखी बनी है और साथ में कम्युनिटी रिसर्च पर्सन बनाया आपने, कम्युनिटी बुक कीपिंग हिसाब किताब रख सके उसके लिए अलग व्यवस्था की है, क्लस्टर मैनेजर अलग बनाया है, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर अलग बनी है आप में से, डाटा एंट्री करने वाली सखी अलग है और विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट VOA बुक कीपर अलग है, मास्टर ट्रेनर अलग है, लघु उद्योग सलाहकार की सेवाएं ले रहे हैं आप, वन धन सखी अलग है। ये जो ढांचा खड़ा किया ये अपने आप में मैं समझता हूँ आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये ढांचे के आधार पर आप कामयाब हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा आपके सहयोग से हम चाहेंगे राजस्थान में समाज में क्रांति आए, बदलाव आए, महिला पुरुषों का अधिकार बराबर हो, महिलाओं को समाज सम्मान पूरा मिले। हमारी सरकार की नीति भी है, ये तो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा मिले सबको परिवार को। और दूसरा जो है सुरक्षा के साथ साथ में अधिकार पूरा मिले उनको, उस रूप में हमारी योजना जो आई है लंबी लिस्ट है, मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, 5-7 योजना जो है महिलाओं का किस प्रकार से सशक्तिकरण हो, दिशा में जो कदम उठाए हमने, एक तो महिला नीति लागू की हम लोगों ने नई, और दूसरा जो राइट टू एजुकेशन का कानून बना था पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया था, 4 कानून बने थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, अब तो गेहूँ भी फ्री मिल रहा है आपको, महंगाई राहत शिविर में हम लोगों ने योजना बनाई थी और उससे हम पैकेट दे रहे हैं हर महिला को, योजना का नाम क्या है, अन्नपूर्णा योजना, देखा होगा आपने तमाम राशन की दुकानों से आपको प्रति माह जो NFS महिलाएं हैं उन सबको 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल, 1 किलो दालें, 1 किलो शक्कर, मिर्च मसाले सब कुछ दिया जाएगा, प्रतिमाह दिया जाएगा। ये हमने तय किया कि महिलाएं महंगाई की मार सबसे अधिक, महंगाई की मार सबसे अधिक किस पे पड़ती है, महिलाओं पे पड़ती है, जैसे चलाती उस पर चलती है, तो उसमें राइट टू एजुकेशन था, राजस्थान हमने कर दिया है सभी सरकारी स्कूलों में 12वीं तक की परीक्षा जो है ये पास होगी स्कूलों में, उसको सरकार पूरी तरह फ्री करेगी। उड़ान योजना आपने देखा, जो आप खुद जो आपने नैपकिन काम ले रही है, 12 नैपकिन बांट रही है, मैं चाहूँगा धीरे धीरे ये काम जो राजीविका को मिला है अभी लिमिटेड मिला है, हम चाहेंगे धीरे धीरे ये महिलाओं का काम है और बहुत क्रांतिकारी काम है, 600 करोड़ रुपये रखे हमने इसके लिए अलग से, गांव में महिलाएं संकोच में बोलती नहीं थी और बीमार पड़ती थी, बार बार इन्फेक्शन होते थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे, कई महिलाओं के कैंसर रहते थे, अब आपको नैपकिन मिलने लगे हैं,
ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है और मैं चाहूंगा धीरे धीरे पूरा जो बनाने का काम है आजीविका के माध्यम से हो, नमकीन बनाने का काम सब आप संभालो, आप ही बनाओ, आप ही बांटो, ये काम है आपको शुभित करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। हमने साथ में आपके लिए रोडवेज की बसों का किराया अदा कर दिया महिलाओं के लिए, और 1,35,00,000 हम लोग मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे रहे हैं आपको, स्मार्टफोन हर महिला को दे रहे हैं 1,35,00,000 स्मार्टफोन मोबाइल फोन, जिसमें 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। पहले फेज में 40,00,000 महिलाओं को, जो विधवाएं हैं, जो स्टूडेंट पढ़ती है घरों के अंदर, उनको पैटी दी गई है। मुझे खुशी हुआ अभी बाहर स्टॉल के अंदर आप में थी जो आजीविका की महिला थी, उनको जानकारी थी बात की पहले फेज शुरू हो गया है, 40,00,000 मोबाइल फोन बटने लगे हैं, आपको जानकर खुशी होगी। 20 तारीख को, आज 18 तारीख हो गई, परसों से हम लोग कैंप लगा रहे हैं जहाँ बाकी बची महिलाएं भी जो है गारंटी कार्ड लेगी वहाँ जा करके। जैसे आपने महंगे शिविर में कार्ड लिए थे, गारंटी कार्ड लिए थे, 25,00,000 का बीमा लिया आप लोगों ने गारंटी कार्ड के रूप में, अन्नपूर्णा योजना लिया आपने, 10 गारंटी दी थी हमने, अब 11वीं गारंटी आपकी मिलने जा रही है। मोबाइल फोन की गारंटी 6,800 रुपये प्रति महिला को दिए जाएंगे मोबाइल फोन के लिए, और वो 20 तारीख को कैंप में जाके आप लोगों को नाम लिखवाना है। अब मैं राजीविका की बहनों से कहना चाहूँगा जो राजस्थान भर में सुन रही हैं उनको, इस काम को, क्योंकि 1,35,00,000 महिलाओं को टच करना हम लोगों को, कई महिलाओं को जानकारी होती नहीं है, राजीविका की बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आह्वान करूँगा, 2,50,000 बहनें जो बैठी सुन रही हमें, आप कृपा करके अपने गांव में सब जगह जो महंगाई राहत शिविरों की तरह कैंप लग रहे हैं, जहाँ जाकर के आप मोबाइल फोन आपको मिले, उसकी गारंटी कार्ड मिलेगा आपको, गारंटी कार्ड मुख्यमंत्री के दस्तखत से मिलेगा, वो आपको उनको दिल आप खुद भी ले लें, उनको दिलवाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेंकटराज कैंपों में जो मैंने कहा आपको गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना आई थी, वो सिलेंडर 1,150 का हो गया, बहुत महंगा हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट एकमात्र गवर्नमेंट है देश के अंदर जहाँ पर आपको राजस्थान में 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग गया, राजस्थान के अंदर उज्ज्वला योजना वाली बहनों को, उसमें कोई वंचित नहीं रह जाए, उसमें आप हेल्प कीजिए सरकार की, जो गाँव में कोई उज्ज्वला योजना है जानकारी नहीं हो, जानकारी दीजिएगा उनको और उनको बताइएगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिला है, उनका लाभ आप उठाएं। सरकारी नौकरियों में राजस्थान 30% का आरक्षण दिया गया है, ये आपको मालूम होगा, और मकान की खरीद फरोख्त होती है, बेचान होता है, अगर महिलाओं के नाम पे पति या कोई परिवार का मुखिया अगर अपने घर की महिला के नाम से कोई रजिस्ट्री करवाएगा तो उसको 1% छूट मिलेगी, ये हमने फैसला किया है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि फैसले बहुत सारे हैं, कुछ मैंने बताया आपको, एक फैसला अंत में बताना चाहूँगा और आपको, राजस्थान में जो है पुलिस थानों के अंदर वैसे तो सुरक्षा सखी को मालूम होगा, पहले कई लोगों की फरियाद लिखी नहीं जाती थी, वो लोग दुखी होगी महिलाएँ वापस आ रही थी, अब हमने कंपल्सरी कर दिया थानों के अंदर, कोई भी जाएगा फरियादी उसको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी थाने के अंदर। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम है, कोई थानेदार जो है अन्याय अत्याचार उत्पन्न हो गया महिला का, हो गया कोई घटना दुर्घटना हो गई, उसको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो खुद सस्पेंड हो जाएगा, ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला हमने किया जिसका फायदा अधिक महिलाओं को मिल रहा है थाने के अंदर। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, अब बात है ये अब मंत्री जी ने आपको कह दिया है कुछ घोषणाएं करेंगे,
ये घोड़ा का पेपर ढूंढ रहे हैं, मंदिर ही घोड़ा का पेपर ढूंढ रहे हैं, कौन से बड़ा इंटरेस्ट इनको, बड़ा इंटरेस्ट आता है काम करने में, बड़े ये खुद ही साधु संत की तरह आदमी है, ये महिलाओं की भावना समझते हैं। देखिए आप, ये बातें इन्होंने बोली थी, मैं खुद बैठा बैठा बहुत ही भावुक हो गया कि मंत्री जी कितनी नॉलेज है कि महिलाओं में क्या बीतती थी। आज महिला घर से बाहर आई है, स्वयं सहायता समूह बैठती है, मीटिंग करती है, एक दूसरे का सुख दुख का साथी बनती है और एक दूसरे सुख दुख को मारती भी है। जब महिला बैठती है घर में कोई तकलीफ है, सुख की बात है, दुख की बात है, अन्य अपनी सहेलियों को सखियों कहेगी, उनका दुख हल्का हो जाता है। ये भावना व्यक्त करना बहुत बड़ी बात है जो मंत्री जी ने करी है। अभी अब जो है मंत्री जी मुझे बाबा कहते रहते हैं और हमने तय किया है आपके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ घोषणाएं मैं कर रहा हूँ आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घोषणा है। पहली घोषणा है जिसमें आपके जो मानदेय है उसको मैं 15% बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। दूसरा जो है, अभी वर्तमान में कृषि व नॉन फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन आदि में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो रहा है, अब मैं आजीविका ऋण योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। तीसरा, अभी बहन आई थी, स्कूटी मिल रही है, स्कूटी खरीद रही है वो, और बताया गया उनको 11% की बजाय 2.5% ब्याज लगेगा, उनको लोन देगा वो, स्कूटी 50,000 की होगी, 60,000 की होगी, 80,000 की होगी, तो ब्याज लगे 2.5%। मैं आप लोगों का जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप मेरे उत्साह है उसको देखते हुए, मैं अभी अभी दिमाग में मेरा आया है, कल रात को मैंने बात भी करी थी, चर्चा करी थी, अब मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपका स्कूटी का जो ब्याज है वो 0 होगा, 1% नहीं लगेगा, 2.5% नहीं लगेगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। जो स्कूटी खरीदना चाहें बहनें हमारी, स्कूटी खरीदो, बिना ब्याज का पैसा मिलेगा आपको, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ आप पर। चौथी घोषणा है जो मैं बोल चुका हूँ पहले, सैनिटरी नैपकिन की, सैनिटरी नैपकिन जो है उसकी पूरी सप्लाई जो है आने वाले वक्त में चरणबद्ध रूप से राजीविका की जो स्वयं सहायता समूह है वही बनाएगी, वही बांटेगी, ये व्यवस्था लागू होगी राजस्थान के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। पांचवी घोषणा है जो मंत्री जी इशारा कर दिया आपको और जो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई है, इंदिरा गांधी महान नेता थी देश की, एक महिला थी, 17 साल तक राज किया, 16 साल तक राज किया देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, बड़े बड़े फैसले किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का उदय कर दिया, उनको राज मिले, आज़ाद हो गए वो लोग, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को टूटने नहीं दिया, पर उनकी खुद की जान चली गई, उनके सीने छलनी कर दिया आतंकवादियों ने, आतंकवादी थे जो सुरक्षाकर्मी थे, उनकी जान चली गई, फरवाने की जान गई, पर देश को एक अखंड रखा। उनके नाम का हम लोगों ने इंदिरा रसोई चला रहे हैं, हम लोग 8 रुपये में खाना दे रहे हैं शहरों के अंदर। अब मैंने गवर्नर की बजट के अंदर गाँव के अंदर भी 8 रुपये में भोजन मिलेगा इंदिरा रसोई के हिसाब से, तो फैसला डिपार्टमेंट ने किया है, मैं चाहूँगा उस काम को आप संभालें अन्य कामों के साथ में, और आप लोग जैसे शहरों में लोग एनजीओ वाले करते हैं उसी प्रकार से तमाम राजीविका की बहनें हमारी 1,000 इंदिरा रसोई की व्यवस्था करेगी, चलाएगी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, उसी मैं घोषणा कर रहा हूँ, आपके माध्यम चलेगी ये बहुत पॉपुलर योजना है। गाँव में मजदूर है, गरीब है, छात्र है, कोई भी है, घर पे तकलीफ है, उसको खाना नहीं बना पा रहा है, कोई भी है, गर्म खाना बैठा के खाना खिलाने की व्यवस्था है, मैं खुद 2-3 दिन के जगह खाना खा के आया हूँ, इतना अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बर्तन में अंदर मिलता है, बैठा के खिलाते हैं वहाँ पर,
मैं चाहूंगा कि इस योजना को आप कामयाब करें और योजना का प्रबंधन भी आप अपने हाथ में लेवे। और छठी योजना है स्मार्टफोन, मैंने कह दिया पहले आपको, जो महीने जो है 1,35,00,000 है। मैं आपसे सहयोग चाहूंगा, जो मुझे सुन रहे पूरे प्रदेश के अंदर तमाम बहनों को मैं कहना चाहूंगा, गारंटी कार्ड मिलने शुरू हो रहे हैं 40,00,000 लोगों को, तो अभी टेलीफोन मिलना शुरू हो गया है मोबाइल फोन। जो सेकंड फेज में आएंगी महिलाएं, उनके लिए गारंटी लेना जरूरी होगा। 20 तारीख से वो गारंटी कैंप में जाए, गारंटी कार्ड ले लें, जिससे कि जब अगला चरण शुरू होगा तब उनको आसानी हो जाएगी, टेलीफोन मोबाइल फोन को मिलेगा, कुछ गारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा 20 तारीख से। उसके लिए आप जाके थोड़ा पर्चा भरा कर दीजिए वहां पर। मेन बात तो यही थी, बाकी तो लर्निंग की बात, स्मार्टफोन के लर्निंग की बात है, उसका अपना महत्व है। और आजीविका के जो प्रशिक्षित कैडर है, डिजिटल सखी, वो अच्छा काम कर सकती है उसके अंदर, लीडरशिप बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि तमाम जो घटना हुई है वो तमाम आपको, मैं समझता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी बधाई आपको है, शानदार काम आप कर रही हैं और मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त के अंदर, कल से मैंने कहना शुरू कर दिया, अभी तक तो मंत्री जी ने कहा कि हम ये मुख्यमंत्री कहते हैं